हजरत तुलबा तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने आबादी में इजाफे की शरह को देख चुके हैं। अच्छा, तो आज हम भारत और ब्राजील के अरसा हयात को तरसीम के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, ये तरसीम ब्राजील और भारत के लोगों का अरसा हयात जाहिर कर रही है। हाँ, लेकिन औसत अरसा हयात यानी क्या? भारत में 2016 के मुताबिक 68 साल अरसा हयात है, तो ब्राजील में 2016 के मुताबिक अरसा हयात 75 साल है। औसत अरसा हयात में होने वाला इजाफा समाजी तरक्की एक अहम अलामत है। सेहत के ताल्लुक से सहूलियात में इजाफा होने, तिब्बी शोबे में तरक्की होने और हयातीन आमेज गिजा की मुनासिब मिकदार मयसर आने से अरसा हयात बढ़ रहा है। तरक्की पजीर ममालिक में अरसा हयात अभी तक कम है, लेकिन समाजी इक्तेजादी तरक्की के साथ साथ इसमें आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है। अजीज बच्चों, अब हम भारत और ब्राजील की कवानदगी की शरह को तरसीम के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम दोनों ममालिक की कवानदगी की शरह की तरसीम पर नजर सानी करें तो मालूम होता है कि ब्राजील और भारत दोनों ममालिक में कवानदगी की शरह में मुसलसल इजाफा होता रहा है। 2016 के मुताबिक ब्राजील की कवानदगी की शरह 92.6% है, तो भारत की कवानदगी की शरह 2016 के मुताबिक 72.2% है, जो कि आप तरसीम के जरिए देख सकते हैं।